डॉक्टर एंड कॉन्ट्रेक्चर को कॉमन फेशिया की थिकनेस हो जाती है। असल में ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में ही वही जो कॉमन सर्फेस है, कॉमन फेशिया है, वो थिक हो जाता है, या फिर ये रेपिटेटिव ओवर यूज़ की वजह से भी हो सकती है कंडीशन। इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है शुरू में, तो जब हम पल्पेट करेंगे पेशेंट के कॉमन सर्फेस पर, हमें वहाँ पर नाड्यूल फील होगा, और बाद में वही नाड्यूल जो है वो कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्ड बनने की वजह से वो टाइट होगी, हार्ड होगी, और शॉर्टन होने की वजह से जो भी इफेक्टेड फिंगर होंगी वो फ्लेक्चर में चली जाएंगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो हम डॉक्टर एंड कॉन्ट्रेक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर एंड कॉन्ट्रेक्चर हैंड डिफॉर्मिटी है दैट अकर्स व्हेन द नॉट्स ऑफ द टिश्यू फॉर्म अंडर द स्किन दैट इवेंचुअली पुल्स वन आर मोर फिंगर्स इनटू अ बेंड पोजीशन। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है, वो जो सॉफ्ट टिश्यू की नॉट बनती है, एडहीजन्स बनते हैं, कॉन्ट्रेक्चर्स बनते हैं, उनकी वजह से फिंगर्स जो हैं वो फ्लेक्शन में चली जाती हैं। मेनली अफेक्ट द टू फिंगर्स फारदेस्ट फ्रॉम दी थम। इसमें फिर जो थम से वही फारदेस्ट फिंगर हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रिंग फिंगर और लिटल फिंगर। मोस्ट ऑफन ट्रीटेड विद द एंजाइम इंजेक्शंस या फिर सर्जरीज के दो ही ऑप्शन होती हैं। कंजर्वेटिवली हम इनको मैनेज नहीं कर सकते मोस्टली, अगर तो ये सीवियर कंडीशन है। माइल्ड और मॉडरेट में फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कर लेते हैं मैनेज, तो सीवियर कंडीशन में फिर एंजाइम इंजेक्शंस और सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, वही अर्ली कंडीशन में नाड्यूल फील होगा, वन आर मोर स्मॉल लम्प्स आर द नाड्यूल्स इन द पाम ऑफ योर हैंड फिक्स टू द ओवरलाइंग स्किन। नेक्स्ट जो चीज़ हमें फील होगी, मतलब स्टार्ट में क्या था, नाड्यूल्स, नाड्यूल्स वही कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द नाड्यूल्स में थिकन एंड कॉन्ट्रैक्ट विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द डेंस एंड टफ कॉर्ड्स ऑफ द टिश्यू अंडर द स्किन। जैसे कि ये हमें कॉर्ड पूरा फील हो रहा है, जब हम पल्पेट करेंगे तो पूरा कॉर्ड होगा, लेंथ उसकी इंक्रीज हो चुकी होगी, नाड्यूल जो है लोकलाइज होगा, स्मॉल साइज होता है। कॉन्ट्रेक्चर में फिर ये चेंज हो जाता है फर्दर, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, योर फिंगर्स मे बी पुल्ड टूवर्ड्स योर पाम एंड मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम स्प्रेडिंग अपार्ट। ये प्रोग्रेशन है डॉक्टर एंड कॉन्ट्रेक्चर्स की। ग्रेड वन में क्या होता है, सिंपल नाड्यूल फील होगा, फिंगर इसमें हमारी एक्सटेंशन में होंगी, मतलब स्ट्रेट होंगी। लेकिन स्टेज टू में क्या होगी, वही कॉर्ड बन चुकी होगी, कॉर्ड की वजह से फिंगर्स लाइट फ्लेक्शन में आ चुकी होंगी। और ग्रेड थ्री में क्या है, कॉन्ट्रेक्चर बन चुका होगा, जिसे हम फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर भी कहते हैं, फिंगर्स जो हैं वो फुली फ्लेक्स्ड होंगी। ग्रेड टू और थ्री को हम डॉक्ट्राइन कॉन्ट्रेक्चर्स कहते हैं, जबकि ये सारे ग्रेड्स वन टू और थ्री ये डॉक्ट्राइन डिजीज में आएंगे। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, इसका रिव्यू करें, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये है क्या बैकग्राउंड में। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, कॉजेस वन आर मोर फिंगर्स टू बेंड ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द पामर फेशिया। किस वजह से ये पामर फेशिया जो है वो थिक हो जाता है, एक तो एज के साथ साथ इसके चांसेज होते हैं 40+ ईयर्स में, मेल में हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर कुछ स्पेसिफिक रेसेस में जैसे कि नॉर्दर्न यूरोपियन हेरिटेज, अल्कोहल डिपेंडेंसी, जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, लिवर या फिर थायराइड डिजीजेज में भी ये डेवलप हो सकती है कंडीशन, डायबिटीज मेलिटस में भी, और माइक्रो ट्रॉमा फ्रॉम द रेपिटेटिव मोशन ओवर यूज़ की वजह से भी डॉक्टर एंड कॉन्ट्रेक्चर्स हो सकते हैं। इसमें साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में हमें वही नाड्यूल फील होगा, अगर तो माइल्ड इनिशियल स्टेज है, अगर तो सेकंड स्टेज है तो फिर कॉर्ड होगा, और कॉर्ड फर्दर लीड करती है वही फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर्स को। जब भी फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर्स होंगे तो फिंगर की जो मोबिलिटी है और जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी होगी, टिपिकली अफेक्ट फोर्थ एंड दी फिफ्थ फिंगर। डायग्नोस्ट कैसे करते हैं, पेनलेस लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स विद फिजिकल एग्जामिनेशन, वही फिंगर जो है वो बेंट होंगी, वो स्ट्रेटन नहीं हो सकेंगी। लेकिन जो पेनलेस कंडीशन है, नाड्यूल कॉर्ड जो है वो पल्पेट होंगे हमें, लो रेंज ऑफ मोशन इन फिंगर्स, तो इसमें हम टेबल टॉप टेस्ट कराते हैं। टेबल टॉप टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट अनएबल टू ले हैंड, फ्लैट सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें फिर हम रिकमेंड करते हैं। ये टेबल टॉप टेस्ट है, जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, पेशेंट को कहते हैं कि वो टेबल पे अपना हैंड जो है वो स्ट्रेट रखे, लेकिन वो इस तरह से उसके बीच में स्पेस गैप आएगा टेबल और पामर सर्फेस ऑफ हैंड के दरमियान। ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली तो वही सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है, फिजिकल थेरेपी रिकमेंड की जाती है, सप्लिंटिंग ताकि फर्दर फ्लेक्शन ना हो, मसल जो पुल जो भी एक कॉन्ट्रेक्चर बना हुआ है, कॉर्ड बनी हुई है, वो फर्दर थिक ना हो, हार्ड ना हो, तो इसके लिए हम सप्लिंट देते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, प्लेजिनेज इंजेक्शन और सर्जरी। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि हमने पहले देखा था कि मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, जेंडर मैन आर मोर लाइकली टू डेवलप दी कंडीशन देन दी वुमेन, एंसेस्ट्री एंड हेरिडिटी, पीपल ऑफ द नॉर्थर्न यूरोपियन एंड द स्कैंडिनेविया मोर लाइकली टू डेवलप दी कंडीशन। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उनमें भी ये कंडीशन जो है हमें मोस्टली मिल सकती है, ये वो भी एक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं दोनों, अल्कोहल और स्मोकिंग। सर्टेन मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटिक्स हैं, सीजर्स हैं, सीजर डिसऑर्डर्स, उसमें भी, या फिर एज का जैसे हमने देखा था 40+ में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो मल्टीपल इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर तो माइल्ड और मॉडरेट स्टेजेस हैं, तो फिर उसमें हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, फिजियोथेरेपी में फिंगर लिफ्ट्स है, फिंगर को सपरेट करना है, पाम को रेज करना, हैंड प्रेसेस और फिंगर बेंड्स, ये सारी एक्सरसाइजेस जो है पेशेंट खुद से करेगा, उसको दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं।
जेंटल मसाज भी रिकमेंड किया जा सकता है। यू कैन कंडक्ट अ जेंटल मसाज ऑफ द होल हैंड इंक्लूडिंग द पाम एंड फिंगर्स विद योर अनअफेक्टेड हैंड। ये वही इंजेक्शन हो गया, क्लेजिनेज एंजाइम का इंजेक्शन, स्टीराइड का इंजेक्शन। ये थेरापीटी होती है जो ग्रिप को स्ट्रेंथन करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। और ये एक्सरसाइजेस हैं टच पाम टिप एंड टच मिड पाम। ये दो स्टेप्स में की जाती है, पहले पाम की टिप को टच करना होता है फिंगर की टिप से और सेकंड फिंगर टिप से मिड पाम को टच करना होता है। ये भी वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए और जो ग्रिप है ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम ये बॉल एक्सरसाइजेस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ये थेरापेंट्स है, थेरापेंट्स के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये सेल्फ स्ट्रेच है कि वो सुबह खुद से अफेक्टेड फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करे, एक्सटेंशन में लेके जाए। और ये वही मसाज हो गया अफेक्टेड फिंगर्स भी जो कि थेरापिस्ट करेगा। इसके अलावा इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज स्टीराइड इंजेक्शंस इनटू द हार्ट लंब मे हेल्प सॉफन एंड फ्लैटन इट। दीज इंजेक्शंस आल्सो मे हेल्प रिलीव पेन फ्रॉम द नोड्यूल्स। लेकिन एक तो स्टीराइड इंजेक्शन, क्लेजिनेज इंजेक्शन, अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड द क्लेजिनेज इनटू द हार्ट लंब एंड कार्ड सॉफन एंड वीकन देम। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास हो गए मेडिकल ट्रीटमेंट में, स्टीराइड का इंजेक्शन और क्लेजिनेज इंजेक्शन। डॉक्ट्राइन कॉन्ट्रेक्चर में इसके अलावा सर्जरी दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यूज फॉर द एडवांस मतलब सीवियर केसेस वही स्टीरॉयड शॉट जैसे कि हमने पहले देखा है। रेडिएशन थेरेपी भी हम कर सकते हैं पेशेंट को ताकि जो भी नॉट और कॉन्ट्रेक्चर बना हुआ है वो सॉफ्ट हो। एंजाइम इंजेक्शन क्लेजिनेज एंजाइम का जैसे देखा था और नीडल एपिनोरोटमी। विटामिन ई भी पेशेंट को दिया जा सकता है। सेवरल स्टडीज रिपोर्टेड दैट टेकिंग 200 to 2000 IU ऑफ विटामिन ई पर डे फॉर दिस सेवरल मंथ्स वाज हेल्पफुल। अदर स्टडीज हाउएवर डिड नॉट फाइंड इट यूजफुल। ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव ट्रायल्स देन नेगेटिव वंस ऑल्दो नन ऑफ पब्लिश रिसर्च इज रीसेंट। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें दे फाउंड दैट द कोर्स ऑफ द 4 एडिलोमेबेव इंजेक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हार्डनेस एंड साइज ऑफ द अर्ली स्टेज कॉन्ट्रेक्चर्स नोड्यूल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिपोर्टिंग NTTNF फॉर ट्रीटिंग डॉक्ट्राइन डिजीजेस ट्रायल। द रिसर्चर्स एनालाइज्ड डेटा ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये वही सर्जिकल ऑप्शन जिसमें हम कॉर्ड को रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रेक्चर्स को जो है वो ब्रेक करते हैं। ये इंसिजन साइट हो गई इस तरह से, रिंग फिंगर और लिटल फिंगर पे इंसिजन दिया जाता है ज़िगज़ैग मैनर में ताकि जो फिंगर्स पुल हुई हुई हैं वो स्ट्रेटन हो सके।